यहाँ हमने देखा था कि हमारे पास अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हम इसको एक मिनट यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ट्रुथ टेबल, आप जब बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं? आपने कहा 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आवाज़ आ रही है ना सबको, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, ट्रुथ टेबल इस तरह बना रहे होते हैं। अब हमने इसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एंड, एंड आपको पता है किस तरह करते हैं? आप एंड के लिए यहाँ बीच में डॉट लगा रहे हैं, ठीक है, डॉट यानी कि यहाँ पर एंड हो जाए दोनों के बीच में। एंड ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होगा? थोड़ा सा ऐसे देखें तो एंड ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होगा? हम अगर 0 0 के दरमियान एंड करते हैं तो क्या होगा, तू बता सकता है मुझे? 0 0 का एंड होता है 0, ठीक है। इसी तरीके से 0 1, 0 1 का एंड क्या होगा? बिल्कुल सही, 0, ठीक है। 1 0 का एंड क्या होगा? इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, 0, ठीक है। इसी तरीके से 1 1, इनके दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा? 1, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हमारे पास अगर एंड का ऑपरेशन हम देखें ये, तो यहां पर क्या हो रहा होता है इसके अंदर 0 0, जहां पर अगर सोर्स ऑपरेंड दोनों के अंदर वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा। अगर कहीं पर भी 1 0 भी आ गया तो मतलब वो उस ऑपरेंट को, उस पूरे ऑपरेशन को 0 कर देगा, आउटपुट 0 कर देगा, ठीक है। और अगर दोनों 1 आते हैं सिर्फ और सिर्फ, तब ही आपके पास 1 होगा। इसी को हम एंड कहते हैं, यानी कि एंड का क्या मतलब होता है? और नहीं, एंड के अंदर क्या होता है कि आप ये और ये, एंड दिस एंड दिस, दोनों को 1 होना पड़ेगा अगर आपने आउटपुट 1 करना है। अगर तो ये इनमें से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो वो 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? हाँ बिल्कुल, तो ये आपके पास क्या है? एंड ऑपरेशन, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास, एक मिनट, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर कर दें, अगर हम देखें कि हमारे पास सपोज वैल्यू है 1 0 1 1, ठीक है, ये वैल्यू है। अच्छा, इस वैल्यू के अंदर क्या है हमारे पास? एक मिनट, इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? 0 0 1 1। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमें एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करने का पड़ेगा। किस तरह? हम क्या कर देंगे, इन दोनों बिट्स के साथ एंड कर देंगे 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर इसके साथ 0 एंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पर 0 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बाकी आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी यहाँ पर हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि इसको, इस चीज को अगर हमने कोड में इंप्लीमेंट करना है, हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, कोड के अंदर इंप्लीमेंट करना है, तो हम किस तरह करेंगे? हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, हम लिख देते हैं इंक्लूड इरवाइन। अगर हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपनी बिट्स के ऊपर, इंक्लूड, ठीक है, और हम दे देते हैं यहाँ डॉट डेटा सेगमेंट, डॉट कोड सेगमेंट, ठीक है, मेन प्रोसीजर, यहाँ हम दे देते हैं मूव कर देते हैं ईएएक्स रजिस्टर के अंदर कोई भी, जैसे हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली थी 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू है, ये इसकी टाइप क्या है? ये बाइनरी है। हम यहाँ पर दे देंगे ईएएक्स रजिस्टर के अंदर 1 0 1 1,
ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यू है, बाइनरी है, तो हम इसका रिजिक्स भी दे देंगे, जिसका रिजिक्स दे दिया बी, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी वैल्यू है। रिजिक्स तो मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि क्या होता है, आप कोई भी हेक्सा वैल्यू देंगे तो एच देंगे, बाइनरी है तो बी देंगे, ठीक है, तो इसका हमने रिजिक्स दे दिया बी। अब हम कहते हैं मूव ई बी एक्स के अंदर 0011, ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कह रहे होते हैं रिजिक्स। अब यहाँ पर क्या है 0011, इसके साथ हम इसका एंड करवा देते हैं ऑपरेशन। हमने कहा ई बी एक्स में 0011 और ये है बाइनरी, ठीक है। अब हमने कहा ये ई एक्स के अंदर वैल्यू आ गई रजिस्टर में, एकुमुलेटर में 1011 बाइनरी, और ई बी एक्स में आ गई 0011। अब जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये एंड जो अभी हमने यहाँ पर आपकी लैब में पढ़ा, एंड इसके अंदर है डेस्टिनेशन और सोर्स, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये हमने अभी देखा भी ट्रुथ टेबल के थ्रू कि ये एंड किस तरह परफॉर्म होता है, 00 पे 0, 01 पे 0, 10 पे 0, 11 पे 1। अब हम जब यहाँ आएंगे और हम यहाँ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम कहते हैं एंड डेस्टिनेशन यानी कि ई ए एक्स और सोर्स, सोर्स क्या है ई बी एक्स, तो एंड ऑपरेशन ई ए एक्स कॉमा ई बी एक्स, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि कॉल राइट बाइनरी। अब ये तो आपको पता है कि जब आप सोर्स और डेस्टिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, इस सोर्स का किसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डेस्टिनेशन पे, और जाके वैल्यू सेव कहाँ हो रही है, डेस्टिनेशन में, ऐसा ही होता है। ई ए एक्स और ई बी एक्स रखते हैं, जब ऐड कराते हैं तो ऐड होने के बाद वैल्यू कहाँ आती है, ई ए एक्स में, और हम ई ए एक्स को आउटपुट करवा देते हैं, ठीक है। तो ई ए एक्स को हमने क्या किया, राइट बाइनरी। अब इसके अंदर एंड होने के बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या वैल्यू आएगी, हम यहाँ किया कॉल सी आर एल एस, ठीक है, और एग्जिट मेन एंड प्रोसीजर और एंड मेन, ठीक है, ये हमारा कोड आ गया। अब इसमें सिंपल हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म किए हैं, दोनों के अंदर ई एक्स और ई बी एक्स में एक एक वैल्यू स्टोर की है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो एंड होने के बाद जब इस बिट का इस बिट के साथ होगा ऑपरेशन, ठीक है, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आएगा निकल के, वो बता सकते हैं मुझे, अगर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, 1 1 क्या क्या हुआ, 1 1 1 का हुआ 1, 0 का 0, फिर 0 1 का 0, ठीक है, तो 0 0 1 1, बिल्कुल सही, सैयद फरजान और मोहम्मद अरसलान दोनों ने सही आंसर बताया। अच्छा, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ऐसा ही है, ये देखें, यहां अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, ई ए एक्स। ई ए एक्स क्या है, एक 32-bit रजिस्टर है। अब जब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो आउटपुट आया, ये हमने लास्ट लेयर में भी देखा था कि हमारा जो जो भी यूज़र इनपुट होता है या आउटपुट होता है वो एंड ऑफ दी एंड की बिट्स के ऊपर चला जाता है, और टोटल इसमें हमारे पास कितनी बिट्स हैं, कितने निबल्स हैं, एक निबल, 2 3 4 5 6 7 8, 8 निबल्स का क्या मतलब है, एक निबल है 4 bits पे, 8 4 32, तो ई ए एक्स क्या है, 32-bit रजिस्टर, तो इसने ऑटोमेटिकली इसने 32-bit की इसको वैल्यू कंसिडर किया, और यहाँ पर बाकी सबको तो इसने ज़ीरो कर दिया, सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग आई, ठीक है। अब हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, 1-1 का एंड हुआ 1, 1-1 का एंड हुआ 1, 0-1, 0-0, 0, 1-0, 0, तो ये आपके पास आ गया आपका, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एंड ऑपरेशन, सही है। अब हम आते हैं, ठीक है, तो अब आप देखें अगर, तो हमारे पास ये एंड ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया, बाकी इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि कौन से फ्लैग के ऊपर फर्क पड़ रहा है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो अगर आप देखें और के अंदर क्या होता है, और ऑपरेशन जो आपके पास है यहां पर अगर हम देखें तो हम यहां ले लेते हैं, अच्छा इसको कर देते हैं यहां पर एंड, ठीक है,
होता है हमारे पास और, ठीक है। अच्छा, और के अंदर क्या होगा जब आप देखेंगे तो और में है, यहाँ हम दे देते हैं ट्रुथ टेबल उसका, 0 0 0 1 अगर इसका और करें, और में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और में ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि आइदर आपके पास 0 0 0 जब होगा, सिर्फ तभी आपके पास 0 आ रहा है, यानी जब भी आपके पास अगर एक दफ़ा भी 1 आ गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, यानी कि और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। और का मतलब इसमें से दोनों में से कोई भी, आइदर दिस और दिस इज 1, तो आपका आउटपुट 1 आएगा, वरना फिर 0 आएगा। अब आइदर दिस और दिस में से कोई भी 1 नहीं है तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा क्या, 0, ठीक है। इसमें से क्या है, आइदर दिस, आइदर सोर्स डेस्टिनेशन, इसमें कोई भी आपके पास 1 है, आइदर दिस और दिस, हाँ है, यहाँ 1 आ जाएगा, आइदर दिस और दिस, हाँ है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर तो दोनों ही 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो और का ट्रुथ टेबल बनता है कि 0 0 0 0 1 पे क्या है, 1 1 0 पे भी 1 है और 1 1 पे भी 1 है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो ये चीज़ हमारे पास, ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया। अब अगर आप इसको देखें कि हमने सपोज परफॉर्म करना है उसको, ये हमारे पास वैल्यू है 1 0 1 1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 1 1 1 1। तो इसका ट्रुथ टेबल अगर अगर इसको हम देखें, इसका और इसके ऊपर अप्लाई करें, यहाँ कह देते हैं और, ठीक है। और में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 1 1 पे 1 1 1 पे 1, 0 1 के ऊपर भी 1 और 1 1 पर भी 1। जब ये चारों 1 आ गए तो इसको हम देखते हैं कि ये चीज़ और वाली जो है, ये हमारे पास प्रैक्टिकली इसके अंदर परफॉर्म हो रही है कि नहीं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गिवन है, और उसके अंदर क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, जैसे यहाँ हमने दिया एंड डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, ठीक है। अच्छा, एक मिनट आप लोग वेट कर लें, अजान हो रही है, अजान हो जाए तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि और ऑपरेशन अभी हमने देखा, और क्या कर रहा होता है कि 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे 1, यानी कि इनमें से एक भी अगर हमारे पास वैल्यू 1 आ जाए तो फिर ये इसको 1 पे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी गिवन है,
इसका सिंटेक्स क्या है और उसकी डेस्टिनेशन और सोर्स। और यहाँ लिखा गया है कि बिट वाइज और हो रहा होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि एक एक बिट के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है परफॉर्म एंड का या और का, तो यहाँ पर क्या है बिट वाइज और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें तो। बाकी लिखा है कि रिजल्ट बिट, जो रिजल्ट बिट आती है वो क्या है इज वन इफ एटलीस्ट वन बिट इज वन, यानी कि एटलीस्ट एक भी बिट दोनों में से अगर वन है तो वन हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर जीरो होगा। और एंड में क्या है, एंड में दोनों बिट्स का वन होना जरूरी है, रिजल्ट बिट इज वन इफ बोथ बिट्स आर वन। ठीक है, तो और को हम देखते हैं कि अगर एक भी बिट हमारे पास वन आ जाए तो ये कर रही है परफॉर्म। तो हमने यहाँ पर क्या लिया एग्जाम्पल, एक मिनट, अच्छा यहाँ हमने ली है 1011 और बाकी 111, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1011 और बाकी EBX के अंदर हम रख देते हैं 111। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट सेम आता है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ एंड की जगह हम कर देते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और बाकी यही सारी चीज़ें हम रन करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा जो हमने यहाँ आउटपुट कैलकुलेट किया है वो क्या है, 4×1 ये परफॉर्म होता है या नहीं। जी ये देखें, अब बाकी इसने 32 बिट्स के अंदर से ये तमाम 28 बिट्स यहाँ पर आ गई और बाकी जो आखिरी की ये बिट हैं इसके ऊपर काम हो रहा है हमारे पास वो क्या है, यहाँ और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दोनों में से कोई एक भी वन थी तो वन। ठीक है, तो इसलिए इसने नीचे तो सारी वन थी इसलिए यहाँ पर सारी बना दी। ठीक है, तो ये और ऑपरेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा एंड और ये तो आप लोग करते आ रहे हैं, बड़ा ईजी है, समझ आ गया आप लोगों को। इसके बाद आता है एक्स और, यानी कि जोर। जोर ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म हो रहा होता है, जोर का कीवर्ड है एक्स ओ आर, यानी कि जोर और डेस्टिनेशन इसमें आप देते हैं, सोर्स देते हैं। यहाँ पर भी बिट वाइज जोर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा एक्स ओर का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है कि रिजल्ट बिट इज वन इफ वन बिट इज वन एंड अदर बिट इज जीरो। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ क्या कह रहा है हमें। ये हमें कह रहा है कि अगर आप इसको ठीक है, अच्छा अगर आप इसको इस तरह देखें, यहाँ हमने किया था और, तो ये और की तरह का ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाए एक्स और का तो वो क्या बनेगा, ट्रुथ टेबल क्या बनेगा इसका, हम ले लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1। तो यहाँ ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये कहता है कि हमारे पास जितने भी सोर्स या ऑपरेंड हैं इनमें से अगर दोनों में से कोई एक भी वन है तो वन हो जाए, और उसके बाद यहाँ पर एक तो और का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है मॉड टू। ठीक है, मॉड टू से क्या होगा कि अब आप जब यहाँ देखेंगे कि मॉड टू बेसिकली उसकी शॉर्टकट क्या है हमारे पास, अगर आप देखें तो जहाँ पर भी सेम बिट्स आएंगी, ठीक है, तो उनको ये क्या कर देगा जीरो, अगर जीरो जीरो है तब भी जीरो या वन जीरो है तब भी जीरो, और अगर इनके अंदर वन जीरो यानी कि कोई भी एक बिट वन है तो क्या कर देगा वन, या फिर वन जीरो है तो वन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है और साथ में मॉड टू, मॉड टू से क्या होगा कि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐसे देखें, अगर इसका ट्रुथ टेबल हम देखें तो क्या है जीरो जीरो पे जीरो, ठीक है, जीरो वन क्या है, जीरो जीरो क्या था जीरो, जीरो मॉड टू जीरो, जीरो वन वन, ठीक है, और इसका क्या हुआ जीरो, नहीं सॉरी वन, ठीक है, वन जीरो वन, ठीक है, और वन वन यानी कि यहाँ पर दोनों सेम बिट्स आ गई तो फिर ये क्या कर देगा जीरो। तो ये एक्स और का ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म हो रहा होता है। अगर आप उसके अंदर वैल्यू लेते हैं, सपोज हमारे पास एक वैल्यू है एक्स और के अंदर, यानी जब भी आप ये देख लें कि सेम बिट्स आ रही होंगी तो सेम बिट्स पे एक्स और क्या करेगा जीरो कर देगा, बाकी जितनी बिट्स होंगी उसके ऊपर और का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
हाँ सेम पे फॉल्स, ऑपोजिट पे ट्रू, सही। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम इसका देखें, हमारे पास ये ही वैल्यू है अगर 1 0, ठीक है, और 1 1, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको हम एक्स और कर देते हैं किससे, 0 1 0 0। अच्छा जब इसका एक्स और करेंगे तो क्या होगा, 1 0 पे 1, 0 पर 1, इस पर भी 1 और इस पर भी 1, ठीक है। तो ये चारों 1 आ गया हमारे पास। अच्छा यहाँ हम बात कर रहे हैं एक निबल की, ठीक है, एक निबल यानी कि आप जब एक वो बाइनरी यानी कि एक वो देंगे तो एक ही निबल होगा उसमें, ठीक है। तो एक निबल की जब आप बात करेंगे तो आपके पास ये 4 वैल्यूज होंगी, जैसे कि ये है, ठीक है। अब आपके पास अगर तो है सपोज, तो इसके अंदर क्या आ गया, 1 1 1 1, क्योंकि इसमें कोई सी भी बिट्स आपस में सेम नहीं थी, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरह वर्क कर रहा है। अच्छा यही चीज आप चाहें तो इसको फिर इसके ट्रुथ टेबल से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यूज यहां पर आ जाए तो उसके ट्रुथ टेबल को देखते हुए आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा इसको हम देखें, अगर अगर आपको लॉजिक पता होगी तो आप उसी वक्त उसकी और ट्रुथ टेबल क्रिएट कर लेंगे। हमने यहाँ क्या वैल्यू दी थी, 1 0 1 1, ठीक है, और नीचे क्या दी थी, 0 1 0 2, ठीक है। ठीक है और यहाँ हमने क्या दिया, एक्स ऑफ, ये देखिए इसने हमारा क्या आउटपुट था, 1 1 1 1, इसने क्या किया, वन 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 वन, क्योंकि 1 0 1 1 0 1, ठीक है, 0 1 1 और 1 0 1, सिर्फ जीरो कब करेगा, जब दोनों बिट सेम, ठीक है। अच्छा ये हो गया XOR, XOR हमें क्या बता रहा था कि बिट वाइज XOR होगा, रिजल्ट बिट इज 1 इफ 1 बिट इज 1 एंड आइदर इज 0, ठीक है, ये चीज हमने परफॉर्म करके देखी। अच्छा अब इसके बाद इसी के जैसा एक हमारे पास और ऑपरेशन, अच्छा ये एंड हमने देखा है, और देखा है, और XOR, XOR और थोड़ा सिमिलर है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉट, नॉट के अंदर अगर आप देखें तो नॉट ऑपरेशन क्या कर रहा है, निगेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो हमने निगेट था ना कि निगेट किस तरह करता है कि अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, ठीक है। या निगेट हमारे पास क्या कर रहा था, प्लस को माइनस और माइनस को 1 प्लस, तो यहाँ निगेशन वाला काम हो रहा है कि आपके पास यानी जो भी बिट है, अगर बिट वाइज आप देखें तो बिट अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा और 0 है तो 1, तो इसमें आपको सोर्स और डेस्टिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेस्टिनेशन की एक वो दे दें और उसको वो रिवर्ट कर देगा, यानी कि 1 0 1 1 है तो उसको 0 1 0 0 कर देगा। उसको भी हम देख लेते हैं ये किस तरीके से इसका वो क्रिएट होता है, इसका अच्छा ट्रुथ टेबल तो नहीं, इसका हम डायरेक्टली करके देख लेते हैं कि नॉट ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करें, हम यहाँ ले लेते हैं कुछ भी, चलें इसको हम रहने देते हैं यहाँ पर, हम क्योंकि हमें सिर्फ ई ए एक्स के ऊपर अप्लाई करना है तो हम यहाँ कर देते हैं नॉट, ठीक है, और ई ए एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ई ए एक्स में हमारे पास क्या है, 1 0 1 1, तो अब मेरे पास नॉट होने के बाद क्या आउटपुट आएगा, 0 1 0 0, ठीक है। जब हम इसको रन करते हैं ये देखें इसने क्या किया, हमारे पास ये तमाम बिट्स जितनी भी 32 बिट्स के अंदर बिट थी जो जीरो हो रही थी उन सबको 1 कर दिया। हम पहले जो आउटपुट्स में देख रहे थे ना कि शुरू की 32 बिट्स के अंदर शुरू की 28 बिट्स जीरो हो रही थी और बाकी यहाँ पर हमारा आउटपुट चेंज आ रहा था, जो भी हम ई एक्स रजिस्टर में वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। तो जो अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं ये 4 बिट्स, अगर हम 8 बिट दे देंगे तो वो यहाँ तक लेके आएगा, 16 दे देंगे तो वो यहाँ तक लेके आएगा, पूरी 32 बिट का हम बाइनरी देंगे तो यहाँ तक लेके आएगा वैल्यूज। अभी हम दे रहे हैं सिर्फ इसको एक निबल, तो यहाँ पर एक निबल के अंदर चेंज कर रहा है, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन का साइज सेम होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन हमारे पास 32 बिट की क्रिएट कर रहा है और बाकी बिट्स को आइदर जीरो आइदर वन करता है। तो अब हमने जब निगेट किया इसको, यानी कि नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसने यहाँ पर हमारे पास क्या थी वैल्यू, अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास EAX था 1011, इसने कर दिया 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0 और 1 को 0, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, नॉट का। अच्छा, अब टेस्ट आपके पास क्या कर रहा होता है, टेस्ट आपके पास बेसिकली एंड वाला ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जो एंड आपके पास करता है वही आपके पास टेस्ट कर रहा होता है, इसमें भी वही डेस्टिनेशन एंड सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है बिट वाइज टेस्ट हो रहा होता है, डज एन एंड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या काम है, टेस्ट और एंड के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपके पास डेस्टिनेशन के अंदर चेंजिंग नहीं आ रही होती। जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर एंड से क्या होता है कि एंड में डेस्टिनेशन और सोर्स पे एंड अप्लाई होता है और डेस्टिनेशन में चेंजिंग आती है, और वो चेंजिंग आप शो कराते हैं कि ये देखें बिट्स हमारी चेंज हो गई, और में भी ऐसे ही सब। लेकिन यहाँ पर एंड ऑपरेशन तो परफॉर्म होता है, जो यहाँ पर हो रहा है एंड होने के बाद आपके पास डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ चेंजिंग आती है आपके फ्लैग के अंदर, कौन से फ्लैग के अंदर, आपके जीरो फ्लैग के अंदर, जो हमने लास्ट लैब की एग्जाम्पल में भी देखा था, यहाँ पर हमने देखा था ना कि ये एग्जाम्पल थी जिसमें हमने ये टेस्ट इस्तेमाल किया हुआ था, टेस्ट से क्या हो रहा था, ये हमारा जीरो फ्लैग की वैल्यूज को चेंज कर रहा था। तो बस ये वाली चीज़ टेस्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा होता है, और ये हम लोग लास्ट लैब में करके देख चुके हैं कि एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दो आपके पास अगर ऑपरेशन है तो उसमें एंड परफॉर्म कर देता है। अच्छा, ये तो हमने देख लिए सारे बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, एंड और एक्स और नॉट टेस्ट, ठीक है, और बाकी इनकी डिस्क्रिप्शंस भी देख लें। बाकी इसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंटीजर अर्थमेटिक और बिट मैनिपुलेशन में अगर हम देखें कि बिट बाय बिट अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या फिर हम कोई इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर बिट के ऊपर सारा काम हो रहा है, पूरे पूरे रजिस्टर पे नहीं हो रहा, तो वो हम किस तरह करेंगे, इसमें हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आता है, ये इसका नेम है शिफ्ट एंड रोटेट, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट एंड रोटेट के अंदर क्या है, एक सेकंड, आपका हो रहा है अभी 145 के ऊपर जो है ना, हम नमाज ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, फिर आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा। अच्छा, अभी क्या है, हम इसको देख लेते हैं, शिफ्ट एंड रोटेट क्या कर रहा है, चलें एक काम करें, अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए है तो चलें आप लोग फिर ब्रेक ले लें अभी, आप लोग 2 बजे दोबारा से रिजॉइन हो जाएं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अभी ब्रेक दे दूं या फिर थोड़ी देर बाद दूं, आप लोग क्या कहते हैं, जी अभी दे दें, चलें ठीक है, आप लोग अभी ब्रेक ले लें, 25 मिनट्स का एक ब्रेक ले लें, और 2 बजे आप लोग दोबारा से रिजॉइन हो जाएं, ठीक है, और रिजॉइन लाजमी हो क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी होगी और ये टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये अगर आपको खुद से चाहेंगे तो आपको समझ आना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। आगे जो अभी शिफ्ट एंड रोटेट और तमाम इंस्ट्रक्शन आने वाले हैं, ये आप लोग लाजमी अटेंड करें, ठीक है। सर, मेरी फर्स्ट सेशन की लग गई, जी आपने अपनी अटेंडेंस जब मार्क हो रही थी तो अपना नेम कॉल होने पे मार्क करवाई थी सर, आपने, मैंने 5 मिनट बाद ज्वाइन किया था, आपने बोला था कि चैट में अपना नाम और इनरोलमेंट, अगर आपने चैट के अंदर लिख दिया था तो फिर आपकी मार्क हो जाएगी, ठीक है सर।